जलसे जुलूस, सियासी रैलियां, ये किस तरह से होनी चाहिए? एक जो सियासी माहौल होता है, अब इलेक्शंस 2024 करीब आ रहे हैं, सियासी माहौल पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, इस सियासी माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि जो अवाम है वो बेहतर हो, अवाम की शख्सियत बेहतर हो, बजाय ये कि उस सियासी माहौल में वो भी यानी रंग जाए? देखिए, इसके लिए तो सबसे अहम किरदार तो खुद सियासतदानों का है, यानी उनकी जुबान, उनका तर्ज गुफ्तगू, उनका तरीक़ाकार तय कर लिया जाए कि ये वो एरिया है जिसमें हम मुत्तफिक हैं, ये वो एरिया है जिसमें हमारा इख्तलाफ है। यानी कि हम एक इमारत में रहते हैं, एक निज़ाम और सिस्टम में रहते हैं, वो इमारत हम सब इस पर मुत्तफिक हैं कि वो कायम रहनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए, वो बिखरनी नहीं चाहिए। हाँ, उस इमारत के अंदर हमारा इख्तलाफ हो सकता है कि ये फलां कमरा है, ये फलां कमरा है, इसको किस तरह बनाया जाए, कैसे सजाया जाए, तो ये अंदर का इख्तलाफ जो उनसा होता है ये तय कर लिया जाए। सियासतदान जो हैं, यानी जिन्हें हम राहबर या रहनुमा हम कहते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी खासतौर पर इलेक्शन के दिनों में बनती है कि वो अपने लोगों की तरबियत भी करें और उनको पुरअमन रहने की तालीम भी दें। आप क्या समझते हैं, सियासी जलसे जुलूस ये होने चाहिए, क्या ये बेहतर है सियासत? देखिए, इलेक्शन के दिनों में तो दुनिया में होते हैं, अब अमेरिका देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, लेकिन वहाँ का तरीक़ाकार ये होता है कि वो लोगों की जिंदगियों को अजीरन नहीं करते, यानी एक ख़ास जगह होती है जहाँ पे उनके जलसे भी होते हैं, उनका खिताब भी होता है, उनकी कंपेन भी चलती है। लेकिन हमारे यहाँ जो माहौल बन जाता है वो इस तरह का होता है कि जो लोग हैं, रहते हैं, आवाम हैं, उनकी ज़िंदगी जो उनसी है वो बड़ी अजीरन और बड़ी मुश्किल कर दी जाती है। तो ये जो तरीका हमारे यहाँ जो ढंग है जलसों का या एहतजाज का, ये जो है ये दुरुस्त नहीं।